दोस्तों इस पौधे का नाम है गैम्फोरेनिया और ये गैम्फोरेनिया का पौधा 6 से 7-8 महीने तक इनके जो फूल है वो गिरते नहीं है। इससे एक से हार्डी फूल होते हैं, काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे ही ये ऊपर का हिस्सा जो है ऊपर बढ़ता रहता है फूल, तो नीचे का जो हिस्सा है वो सीड बनाता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये सीड आप ग्रो करेंगे तो ईजिली ग्रो हो जाते हैं और इनकी कटिंग भी लग जाती है। दोस्तों बारिशों में आप इनकी कटिंग लगाएं तो ईजिली लग जाएगी। इस समय इनकी कटिंग दिसंबर में नहीं लगेगी, आज दिसंबर की 15 तारीख है और आज भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से ये फ्लावरिंग करेगा और भी 2 महीने तक ये हमें फ्लावरिंग देता रहेगा। फिर इनके जितने भी सीड रेडी हो जाएंगे, अगर इनके आप ऊपर से इस एक से कट कर देते हैं, सीड को हटा देते हैं, तो पौधा आपके पास ज़िंदा रहेगा और अगले फिर गर्मियों में, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा होता है, परमानेंट पौधा, गर्मियों में ही फ्लावरिंग देता है, ज़्यादा ठंड पर ये फ्लावरिंग नहीं देता है। फिर इनके जैसे ही ऊपर के सीड सारे हटा देंगे तो नई फुटाव करेगा और गर्मियाँ आते ही आपको फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। तो ये पौधा काफ़ी अच्छा सुंदर होता है, आप इस पौधे को ज़रूर अपने गार्डन में लगाइएगा।